तो हेलो भाई, अगर आप भी BRBU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से आप किसी भी कॉलेज में नामांकन लेकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा अपने कॉलेज से आईडी कार्ड मिला होगा, यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कॉलेज से नहीं मिला है या किसी को नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। जो आईडी कार्ड फिजिकल आप यूज करते हैं, आप ऐसा ही डिजिटल कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर किसी कॉलेज में नहीं मिला है अभी तक या किसी स्टूडेंट को नहीं मिला है किसी कारणवश, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा हूँ और सर्च बॉक्स में आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है और किस स्थान पर है वो स्थान लिखना है, यानी किस ज़िला में है। तो चलिए अपना कॉलेज का नाम इसमें लिख दिया। लिखने के बाद सिंपल सा हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सिंपल सा यह पहला लिंक ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ 3 लाइन मिलेगा, तो आप 3 लाइन पर क्लिक करना है और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपको SS कॉल करना है और इस लाइन में स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन क्या का है सर्च करना है, यानी खोजना है। तो यहाँ कहीं भी नहीं स्टूडेंट आईडी कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो कॉलेज है आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया है, फैसिलिटी नहीं जारी किया है, ठीक है भाई। नहीं जारी किया है तो भी आप बना सकते हैं, वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो सिंपल सा आपको फिर से क्या करना है, ब्राउज़र में आना है और अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेना है, ठीक है। कॉलेज का नाम सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ बगल में आपको दिख रहा है ये ऑप्शन एड्रेस का, यहाँ देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं, आपका कॉलेज का एड्रेस यहाँ दिख रहा है। तो सिंपल सा ये एड्रेस को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। देख सकते हैं हम यहाँ इस तरह से कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉपी करके आपने नोट पैड में पेस्ट कर देना है या कॉपी करके रखे रहना है, ठीक है। और नोट पैड में चाहते हैं नोट पैड में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपको बैग जाना है, ठीक है, और बैग जाकर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपल से आपको प्ले स्टोर में पिक्सल लैब ऐप आप लिखना है, इसमें सर्च करना है पिक्सल लैब ऐप, ठीक है। तो इसमें हम पिक्सल लैब ऐप लिख देते हैं। चलिए हम पिक्सल लैब ऐप लिख कर सर्च कर देते हैं और यहाँ देख सकते हैं पिक्सल लैब ऐप यहाँ मिल चुका है। इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं मिला है प्ले स्टोर पर तो सिंपल सा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो ये टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कलर में जाना है और कलर में जाने के बाद सिंपल सा इस कलर पर क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड क्या करना है, वाइट ले लेना है, ठीक है, वाइट। और यहाँ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ एक प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे, ठीक है। और फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद एक हम PNG ऐड करेंगे, यहाँ देख सकते हैं हम ये PNG ऐड करेंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक कीजिएगा, ये आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा PNG के रूप में, ठीक है। और इसको ऐड कर लेना है। चलिए हम ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, इस पर, और क्लिक करने के नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देख सकते हैं रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करना है। रिलेटिव साइज पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, इसको विड्थ को पूरा हाई कर देना है और राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा और इस पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद अपने कॉलेज का नाम टाइप करना है, ठीक है। अपना जो कॉलेज का नाम है वो आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं पूरा कॉलेज का नाम। पूरा कॉलेज का नाम इसमें लिखना है। अगर आपका कॉलेज का नाम साइट पर अगर शॉर्टकट लिखा है तो शॉर्टकट लिखना है, और फुल फॉर्मेट में लिखा है तो फुल फॉर्मेट में कॉलेज का नाम लिखना है। हम कॉलेज का नाम लिख दिए हैं और सिंपल सा ओके पर क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, तो उसको क्या करना है, स्क्रॉल करके इधर ले आना है और इसका साइज क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसका साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ साइज पर आएंगे और इसका क्या कर लेंगे, साइज हम 42 कर देंगे, ठीक है, 42 इसका हम साइज कर लेंगे। 42 साइज करने के बाद सिंपल सा राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इधर का क्या करेंगे, इसका हमको कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए कलर पर आएंगे, ठीक है, तो कलर पर आ जाएंगे। कलर आने के बाद सिंपल सा कलर हम क्या लेंगे, ये वाला कलर हम ले लेंगे, ठीक है। और कलर लेने के बाद सिंपल सा राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्टाइल पर क्लिक करेंगे और स्टाइल पर क्लिक करने के बाद इस पर बी पर क्लिक कर देना है और राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट पर क्लिक करना है और फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है
और फ़ॉन्ट क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ॉन्ट ले लेना है, ठीक है, क्रिएटिव राउंड रेगुलर, इस फ़ॉन्ट को ले लेना है और ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसको एडिट करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना जो एड्रेस उस कॉपी किए थे नोटपैड में, एड्रेस को आपको कहना है यहाँ टोटल एड्रेस को पेस्ट करना है। तो चलिए हम एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। तो एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ एड्रेस लिखने के बाद सिंपल सा ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल साइज का क्या करेंगे, साइज को हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो साइज आपको क्या कर लेना है, साइज आपको छोटा करने के लिए इस पर आना है और साइज को छोटा कर लेना है, ठीक है भाई। तो साइज का आपको 32 रख लेना है साइज, और इसको क्या करना है, राइट कर्सर पर क्लिक करना है और कलर चेंज करने के कलर पर आना है और यहाँ ब्लैक कलर ले लेना है, ठीक है। ब्लैक कलर लेने के बाद राइट कर्सर पर क्लिक करेंगे और फिर फॉन्ट इसका चेंज करेंगे। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको फॉन्ट ले लेना है, रोबोट रेगुलर ले लेना है फॉन्ट को, और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपल साइज क्या करना है, बी स्टाइल पर क्लिक करना है और इस पर बी पर क्लिक कर देना है और राइट कर्सर पर क्लिक कर देना है और फिर ये नीचे आना है और स्टॉक पर क्लिक करना है। स्टॉक को क्या करना है, इनेबल करना है और यहाँ कलर इसका ब्लैक लेना है और स्टॉक को क्या करना है, एक पर रखना है, ठीक है। एक पर रख के और राइट कर्सर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इस तरह से इसमें हम फिट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से फिट हो गया है। और क्या करना है, अपने गैलरी से एक फ़ोटो लेना है पासवर्ड साइड, ठीक है। तो पासवर्ड साइड एक फ़ोटो लेने के बाद सिंपल साइज प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और एक अपना फ़ोटो ले लेना है पासवर्ड साइज। फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल राइट कर्सर पर क्लिक करेंगे और इसका फोटो का साइज हम डाउन करेंगे, ठीक है। और फोटो का साइज हम क्या करेंगे, इसमें फिट करेंगे, आपको इसमें फिट करना है फ़ोटो अपना, ठीक है। चलिए हम फोटो इसमें हम फिट करते हैं। चलिए हम फोटो को किस प्रकार का फिट कर लिए हैं। और फोटो फिट करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है और सबको क्या करना है, लॉक कर देना है, ठीक है। आपको ये इसको और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। लॉक करने के बाद सिंपल सा सेशन लिखना है, ठीक है। आप जिस सेशन में पढ़ाई करते हैं, जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है, सेशन आप यानी सत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम सेशन लिख देते हैं। सेशन लिखने के लिए सिंपल सा यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और डिट पर क्लिक करेंगे और सेशन लिखना है, जो सेशन है आपका इस तरह से सेशन लिख लेना है और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, इसका कलर है, कलर इसका चेंज करना है, कलर पर जाना है और कलर इसका क्या करना है, ब्लू लेना है कलर, ठीक है, इस तरह का कलर ले लेना है। और राइट कर्सर पर क्लिक करना है, इसका भी क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है। सिंपल सा क्या करेंगे, फॉन्ट पर आएंगे और फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट ले लेना है। तो चलिए आपको अमरनाथ बोल्ड ले लेना है और ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल सा क्या करना है, इसका साइज है, इसका साइज हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो साइज छोटा करने के लिए सिंपल सा आपको साइज पर आना है, यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट साइज पर आने के बाद इसका साइज हम छोटा कर लेंगे। तो इसका अप्रोक्स साइज आपको करना है 22 के आसपास आपको इसका टेक्स्ट कर लेना है। चलिए हम इसका साइज 22 कर लिए और राइट कैप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा इस पर क्लिक करके इसको जूम करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको जूम करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे और इसका इसमें हम फिट कर देंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से फिट हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे और जूम आउट करेंगे इसको, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें नाम लिखना है, यहाँ पर नाम, फादर नेम और रोल नंबर, क्लास रोल नंबर और मेजर सब्जेक्ट लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है और एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो फटाफट ये लिखने के लिए सिंपल सा टेक्स्ट पर क्लिक करना है और क्या करना है, इसको इसका इसमें एडिट करना है, इस पर क्लिक करके और अपना स्टूडेंट जो नेम है स्टूडेंट नेम लिखना है। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद सिंपल ओके करेंगे और इसका साइज क्या करेंगे, इसका साइज हम छोटा करेंगे, अप्रोक्स 30 इसका साइज करेंगे टेक्स्ट साइज। तो टेक्स्ट साइज पर यहाँ क्लिक करना है और इसका साइज क्या करेंगे, अप्रोक्स 30 कर देंगे हम। चलिए इसका साइज हम अप्रोक्स 30 या 29 कर लेना है और राइट कर्सर पर क्लिक करना है और इसको इस तरह से इसमें सेट करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए कलर पाना है, इसका कलर ये ब्लू ले लेना है, ठीक है। और राइट कर्सर पर क्लिक करना है, इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ फॉन्ट पर आएंगे और फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपल से इस पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद सिंपल से यहाँ क्रिएट ए राउंड रेगुलर ले लेना है और ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद सिंपल सा बी स्टाइल पर आना और बी को इनेबल कर देना है और राइट कर्सर पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपका नाम एंटर हो जाएगा। सिंपल सा नीचे फादर नेम सामने लिखना था, फादर नेम लिखने के लिए सिंपल सा इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको इधर ले आना है टेक्स्ट को, इसमें फिट करना है और सिंपल सा इसको एडिट पर क्लिक करना है और इसमें आपका जो फादर नेम है वो फादर नेम लिख लेना है। मैं डेमो पर्पस के लिए आपको लिख देता हूँ। तो फादर नेम लिखना है, सिंपल सा ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल सा फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा एडिट पर क्लिक करना है और जो क्लास रोल नंबर है या यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो रोल नंबर इसमें लिख लेना है। आपको क्या करना है, क्लास रोल नंबर लिखना है। तो क्लास रोल नंबर आपको लिख लेना है, जो क्लास
रोल नंबर है। तो चलिए क्लास रोल नंबर लिखने के बाद ओके करना है। और इसका साइज़ क्या करना है, इसका साइज़ भी 30 आपको कर लेना है, 29 या 30 के आसपास कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका साइज़ भी 39 या 30 कर लेते हैं। चलिए हम इसका साइज़ 29 कर लिए और राइट कैप्शन पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसमें इसको फिट कर देंगे सामने लाकर। और इसका भी हम कलर चेंज करेंगे, इसका कलर हम क्या करेंगे ब्लैक लेंगे, ठीक है। इसका कलर हम ब्लैक, इसका भी कलर हम ब्लू ले लेंगे, ठीक है। ब्लू लेकर राइट कैप्शन पर क्लिक करना है और इसका भी क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है और अमरनाथ वर्ल्ड ले लेना है और ओके पर क्लिक करना है। और सिंपल सा इसमें इसके सामने रोल नंबर के सामने फिट करना है। फिट करने के लिए सिंपल सा इसका स्पेस हम लेंगे, थोड़ा सा इस स्पेस हम दे देंगे, ठीक है। इस तरह से करके दोनों साइड से थोड़ा स्पेस हम लिख देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्पेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इस तरह से फिट हो गया। तो सिंपल साहब क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ देखते हैं मेजर सब्जेक्ट है। तो मेजर सब्जेक्ट लिखने के लिए सिंपल सा इस टेक्स्ट को क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है, फिर इधर लाना है इस टेक्स्ट को और मेजर सब्जेक्ट के सामने रखना है इसको, ठीक है। और इस पर एडिट पर क्लिक करना है और इसको एडिट करना है। इसको एडिट करने के बाद आपका मेजर सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट लिख देना है। मेजर सब्जेक्ट लिखने के बाद सिंपल साहब ओके करना है और यहाँ इस तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिंपल सा ये रोल नंबर जो लिखे है इसको आप क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको इधर लाना है और इसके सामने बिल्कुल जस्ट करना है और इसमें मोबाइल नंबर अपना लिख लेना है, ठीक है। मैं डेमो पर्पज़ के लिए कुछ भी यहाँ टाइप कर देता हूँ और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे आप। और मैं इसमें मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिंपल सा क्या करना है, डी ओ बी लिखना है। तो डी ओ बी लिखने के लिए इसको मोबाइल नंबर को क्या करेंगे, एक बार कॉपी करेंगे और इधर लाएंगे, ठीक है। और इधर लाने के बाद इस तरह से डी ओ बी के सामने इसको फिट करना है और फिट करने के बाद यहाँ एडिट पर क्लिक करना है और डी ओ बी लिखना है। डी ओ बी कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसे आपका जन्म 1 जनवरी और 2005 है तो सिंपल सा लिखना है 1 01 01 और यहाँ 2005 लिख के ओके करना है। इस तरह से आपका डी ओ बी फिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। डी ओ बी को सिंपल सा इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर क्या करना है, इसका कलर ब्लैक लेना है। ब्लैक लेकर राइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इस तरह से हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है एड्रेस का। तो एड्रेस आपको क्या करना है, अपना एड्रेस इसमें लिखना है, आपका जहाँ विलेज है, प्रखंड है, जिला वो लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा ये टेक्स्ट को कॉपी करना है, किसी अपने नाम या फादर के नाम का टेक्स्ट को कॉपी करना है और इधर लाना है और इधर से इस तरह से फिट कर देना है और इस पर एडिट करना है, अपना यहाँ एड्रेस पूरा लिखना है, ठीक है। तो एड्रेस लिख देना है इसमें, विलेज का नाम और प्रखंड का नाम लिख दिया हूँ, ओके पर क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है और इधर लाना है इसके जस्ट सामने और इसमें अपना नीचे अपना जिला लिखना है, ठीक है। जिला लिखने इस पर क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे, अपना जिला लिखेंगे इसमें, ठीक है। जिला लिखने के बाद सिंपल सा ओके पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका कार्ड आपका ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब बाकी है आपका इसे यहाँ पर मोहर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोहर लगाना है बाकी है। तो सिंपल सा मोहर आपको कहाँ से लगाना है, तो आपको अगर एडमिट कार्ड मिला है या आप एडमिशन कराएंगे तो वहाँ फी रिसिप्ट मिला होगा, तो वहाँ पर आपका प्रिंसिपल का मोहर आता है, ठीक है। मोहर आता है तो यहाँ इस तरह से स्क्रीन पर देख सकते हैं मोहर का क्या करना है, एक फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर होगा मोहर, देख लीजिएगा प्रिंसिपल का, आपको मोहर के जस्ट पास्ट आपको कैमरा ले जाना है और क्या करना है, एक फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, रिमूव बीजी के ऑप्शन पर जाना है। रिमूव बीजी एक ब्राउजर को ओपन करना है, रिमूव बैकग्राउंड, और उसको क्या करना है, उस फोटो को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से बैकग्राउंड हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम वो बैकग्राउंड क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह से मोहर हमको मिला था, हम क्लिक किए और इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद कुछ तरह से यहाँ मोहर हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। तो सिंपल सा क्या करना है, मोहर को यहाँ प्रिंसिपल का मोहर है, प्रिंसिपल के जस्ट आपको नीचे यहाँ फोटो के नीचे और प्रिंसिपल के ऊपर आपको यहाँ मोहर चिपका देना है, ठीक है। आपका ये कार्ड अब पूरी तरह से मान्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कार्ड को सेव करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है लेयर पर और इस सबको लॉक कर देना है, ठीक है। सबको यहाँ बारी बारी से सबको यहाँ जो लॉक है इसको सबको लॉक कर देना है। तो चलिए हम सबको लॉक कर दिए और लॉक करने के बाद सिंपल सा क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल इस पर आएंगे और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ क्या करना है, प्रो यहाँ सेव इमेज पर क्लिक करना है और क्या करना है,
डिफॉल्ट पर क्लिक करना है, अल्टर पर क्लिक करना है, इसको सेव टू गैलरी कर देना है, तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अगर इसको चाहते हैं कार्ड में निकलवाने के लिए, तो सिंपल से आपको किसी प्रिंटर साइबर कैफे के पास जाना है और इसको कार्ड में प्रिंट करा लेना है, और कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपका मान्य रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट जरूर रहिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का समस्या आता है इस कार्ड को बनाने में, तो सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।